हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल, मैं आज आपके साथ मिंत्रा का विंटर वेयर कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले मिंत्रा में काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी, तो ड्यूरिंग दी सेल मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे से स्वेटर्स ऑर्डर किए हैं। एंड स्टाइल करने के बाद तो ना सभी का लुक गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। एंड आज ना मैंने थोड़े बालों को कर्ल भी किए हैं, तो उसके कारण ना जो लुक था वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर आ रहा था। थोड़ा सा ऐसा न्यू टाइप की वाइब आ रही थी। एंड मैंने जितनी भी स्वेटर्स ऑर्डर किए ना गाइस, दीज आर अफोर्डेबल ऑल्सो। आई थिंक 500 to 600 की रेंज में ही सभी को मैंने पिक किया है। बट अभी हो सकता है प्राइस थोड़े बहुत फ्लक्चुएट हो जाए, बिकॉज उस टाइम सेल चल रही थी एंड अभी शायद कोई भी सेल नहीं है। बट सभी स्वेटर्स बहुत अच्छी है। अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आए ना, तो आप ज़रूर ले लेना। मतलब मुझे तो ना इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बिना देरी किए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए, तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट स्वेटर। तो इस स्वेटर के साथ ना मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट स्टाइल करने के बाद ना इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। यू कैन सी इट्स इन बेज एंड ब्राउन कलर एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी ये स्वेटर है गाइस। मतलब स्टाइल करने के बाद तो ना मुझे मज़ा आ गया। यू कैन सी कुछ इस टाइप से इसका पैटर्न है। इसमें आपको ना ऑल ओवर दी स्वेटर इस टाइप से पूरा स्ट्रिप पैटर्न मिल जाता है। नेक इसमें आपको मॉक पैटर्न में मिलता है एंड यहाँ पे ना आपको फ्रंट में जिप भी मिल जाती है, तो आप इससे ओपन एंड क्लोज जैसे चाहें वैसे स्टाइल कर सकते हैं। इसमें शोल्डर में आपको ड्रॉप डाउन पैटर्न मिलता है एंड शोल्डर में भी आपको इस टाइप से स्ट्रिप पैटर्न मिल जाता है ब्राउन कलर से। एंड देन एंड में आपको इस टाइप से रिब्ड पैटर्न मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसका पूरा लुक, इसकी लेंथ एकदम नॉर्मल है एंड नीचे साइड में भी ना इसमें आपको ऐसा रिब्ड पैटर्न मिल जाता है एंड बैक साइड में इसमें आपको सेम ही लुक मिलता है जैसा इसका फ्रंट का है। इसे मैंने बेज कलर के ट्राउजर के साथ स्टाइल किया था। आप साइड में ट्रायन पार्ट में देख सकते हैं कि ये स्टाइल करने के बाद कितनी ज्यादा अच्छी लग रही थी। सो मेरे साइड से तो ये हाईली रिकमेंडेड है ये स्वेटर। अगर आपको पसंद आ रही हो ना, आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन भी है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था स्टाइल करने के बाद। बहुत ज्यादा इजीली आपको इस टाइप के कलर कॉम्बिनेशन मिलते नहीं है, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मटेरियल भी इसका मतलब वॉर्म टाइप से, ये बहुत ज्यादा वॉर्म तो नहीं है, वैसे भी आपको स्वेटर के मटेरियल इतने ज्यादा वॉर्म मिलेंगे नहीं, बट इसका मटेरियल काफी अच्छा है। इसे मैंने ऑर्डर किया है रोडस्टर ब्रांड से। साइज मैंने इसमें एम ऑर्डर किया है। ओरिजिनल प्राइस तो इसका काफी ज्यादा हाई है 1999, बट ऑफ में मैंने इसको ओनली 470 रुपीज में ऑर्डर किया है। तो गाइस 470 के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्वेटर है। आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्वेटर। सो ये वाली स्वेटर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यू कैन सी इट्स इन बॉटल ग्रीन एंड वाइट कलर। इसमें नेक आपको वी शेप में मिल जाता है एंड यहाँ पे नेक में ना आपको इस टाइप से रिब्ड पैटर्न मिल जाता है एंड नीचे साइड से यू कैन सी इसका लुक कुछ इस टाइप से है। एंड इसकी लेंथ काफी ज्यादा लॉन्ग है, तो अगर आपको लॉन्ग लेंथ वाली स्वेटर्स अच्छी लगती है ना, आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें फ्रंट में आपको इस टाइप से टाइपोग्राफी प्रिंट मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री क्रू। एंड इसमें शोल्डर में ना आपको ड्रॉप डाउन पैटर्न मिलता है एंड एंड में आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको रिब्ड पैटर्न मिल जाता है। एंड इसमें नीचे साइड में भी आपको जैसा इसकी स्लीव्स में पैटर्न है ना, सेम वही वाला पैटर्न मिल जाता है। बैक से ये पूरी प्लेन है, तो ये वाली स्वेटर का लुक भी काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था। आप साइड में देख सकते हैं ट्रायन पार्ट में काफी अच्छे से मैंने इसको स्टाइल किया हुआ था। तो 10/10 है मेरे साइड से इस स्वेटर के लिए। इसका मटेरियल भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। साइज मैंने अपना इसमें एम ऑर्डर किया है। ब्रांड है इसका रोडस्टर एंड इसका प्राइस भी ना आई थिंक काफी ज्यादा हाई था, यस 1999 रुपीज, बट ऑफ में इसको मैंने ना ओनली गाइज 455 रुपीज में ऑर्डर किया है। सो 455 के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी डील है। आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मिलना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्वेटर। सो नेक्स्ट आई हैव दिस टर्किश ब्लू एंड वाइट कलर पुलोवर। यू कैन सी इट्स अ क्रॉप पुलोवर एंड इसका लुक भी ना कैरी करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था। इसमें आपको नेक वी शेप में मिल जाता है एंड यहाँ पे नेक में आपको इस टाइप से रिब्ड पैटर्न मिल जाता है। ऑल ओवर दी स्वेटर आपको इस टाइप से ना सेल्फ डिजाइन मिल जाती है एंड इसकी जो स्लीव्स है ना आपको वो थोड़ी सी लॉन्ग मिलेगी एंड स्लीव के एंड में आपको इस टाइप से डिफरेंट प्रिंट मिल जाता है। यहाँ पर रिब्ड पैटर्न दिया हुआ है एंड नीचे साइड भी आपको सेम उसी टाइप से प्रिंट मिल जाता है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से ना इसका लुक सेम है एंड ये वाली स्वेटर ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इस टाइप की जो सेल्फ डिजाइन वाली स्वेटर होती है ना,
वो स्टाइल करने के बाद काफी ज्यादा अच्छी लगती है एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। मैंने इसको व्हाइट कलर के पैंट के साथ स्टाइल किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी गाइज ये वाली स्वेटर, कलर तो बहुत अच्छा है, तो आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसका मटेरियल भी काफी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, तो मुझे ये वाली स्वेटर भी काफी पसंद आई। इसे मैंने ट्राई किया है बेरी लश ब्रांड से एंड बेरी लश की ना मुझे बहुत सारी स्वेटर्स काफी पसंद आई, तो मैं और भी इसे जरूर ट्राई करूंगी। साइज मैंने अपना इसमें स्मॉल ऑर्डर किया है बिकॉज ये ऑलरेडी थोड़ा से लूज फिट में थी एंड इसका जो ओरिजिनल प्राइस है गाइज वो है 3199, बट ऑफ में मैंने इसको ट्राई किया है 639 रुपीज में, तो प्राइस वाइज तो बहुत ज्यादा अच्छी है गाइज, बिकॉज मटेरियल भी इसका ना थोड़ा सा थिक है, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं, मेरे साइड से 10/10 है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्वेटर, सो इस स्वेटर का जो कलर कॉम्बिनेशन है गाइज वो बहुत ज्यादा अच्छा है, यू कैन सी इट्स इन रेड एंड ब्लू कलर एंड ये भी क्रॉप स्वेटर है, आप देख सकते हैं इसमें नेक आपको राउंड शेप में मिलता है एंड ये पूरी निटेड पैटर्न है। इसमें आपको ऑल ओवर दी स्वेटर में आपको सेम ही प्रिंट मिल जाता है, इसमें शोल्डर आपको ड्रॉप डाउन पैटर्न में मिलता है एंड स्लीव की लेंथ काफी लॉन्ग है, तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है इस टाइप की स्लीव स्टाइल करने में, यू कैन सी बहुत ही ज्यादा अच्छी स्वेटर है गाइज ये एंड ये कलर कॉम्बिनेशन ना काफी अच्छा लग रहा था स्टाइल करने के बाद। मैंने आई थिंक ऑफ व्हाइट कलर के जीन्स के साथ स्टाइल किया था, आप साइड में ट्रायन पार्ट में देख सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ये वाली स्वेटर, तो आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, मटेरियल इसका काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड इसे मैंने ड्रेसवेरी ब्रांड से ऑर्डर किया है। साइज मैंने अपना ऑर्डर किया है इसमें एम, इसका ओरिजिनल प्राइस है 2199 बट ऑफ में मैंने इसको ओनली 479 रुपीज में ऑर्डर किया है, तो प्राइस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छी है गाइज। अगर आपको ये स्ट्रिप पैटर्न पसंद आ रहा हो ना तो आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, 10/10 है मेरे साइड से इस स्वेटर के लिए भी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्वेटर, तो इस स्वेटर का कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, बहुत ही फ्रेश टाइप की वाइब देती है ये वाली स्वेटर पहनने के बाद, यू कैन सी इट्स इन पीच एंड ब्लू कलर, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसमें पूरा प्रिंट किया हुआ है, इसमें नेक आपको राउंड शेप में मिलता है एंड शोल्डर में इसमें आपको ड्रॉप डाउन पैटर्न मिल जाता है, स्लीव में भी आपको सेम ही पैटर्न मिलता है एंड इसकी लेंथ आपको नॉर्मल मिलती है जैसी रेगुलर होती है स्वेटर की लेंथ, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में ना आपको सेम ही प्रिंट मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं गाइज इसका कलर ना काफी ज्यादा अच्छा है एंड स्टाइल करने के बाद भी ना बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी ये वाली स्वेटर, एकदम सॉफ्ट मटेरियल है सो पहनने में बहुत कंफर्टेबल है एंड इसमें आपको पूरा ना ऐसा निटेड पैटर्न मिल जाता है, सो इस टाइप का स्ट्रिप पैटर्न ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है स्वेटर्स में, तो आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसे मैंने आई थिंक ना जीन्स के साथ ही नॉर्मली स्टाइल किया था बट आप इसे और भी डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। इसे मैंने एल साइज में ऑर्डर किया है एंड एल की फिटिंग एकदम परफेक्ट हो रही थी मुझे, बिकॉज मुझे ना स्वेटर थोड़े से लूज फिट में ही अच्छी लगती है एंड इसका ओरिजिनल प्राइस भी लेट मी चेक कितना है, 2199 काफी ज्यादा हाई है बट ऑफ में मैंने इसको ओनली 671 रुपीज में ऑर्डर किया है, तो प्राइस वाइज तो मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद आई गाइस, अगर आपको अच्छी लग रही हो ना आप इसमें भी जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी स्वेटर्स जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी एंड इस बार की ना सभी स्वेटर्स बहुत ज्यादा अच्छी थी एंड स्टाइल करने के बाद तो ना सभी का लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था, मुझे सभी पसंद आई। अगर आपको इनमें से कुछ भी ट्राई करना हो ना तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, लिंक सभी की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। नाउ बाय बाय, टेक केयर।